चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में मानसिक स्वास्थ्य दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 118 लोगों ने पंजीकरण करवाया। इसके साथ ही 55 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। दरअसल जनपद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मनोरोग विज्ञान के चिकित्सक न होने के कारण मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान और राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से समन्वय करते हुए जनपद चमोली 2 दिवसीय मानसिक दिव्यांग शिविर लगाया गया, जिसमें मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रमाण पत्र बनाए गए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये जो है अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग का आपसी समन्वय है, और हमने जो है ये कैंप मुख्यतः आयोजित किया है कि जनपद के जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है विभाग लाभान्वित कर सकते हैं। चमोली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसिक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। एक दिव्यांग शिविर जो है 25 तारीख SDH कर्णप्रयाग में हो चुका है, जहाँ पे 50 मानसिक दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र जो है रोगियों के बनाए गए, और आज भी जो है जिला चिकित्सालय में शिविर मानसिक दिव्यांग शिविर गतिमान है, जिसमें जो है मेरा नाती अपंग है, अब वो सब तो मैंने बोलते हैं कि अपंग है, ये जो इलाज किया मैंने इनके लिए, पर क्या करना, कोशिश तो बोल के हमने करने हुआ इनके कोशिश पर, हम बहुत गरीब आदमी है। जिले में दिव्यांग मानसिक दिव्यांगों की संख्या को देखते हुए यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो मानसिक दिव्यांगों की जांच परख कर सकें, तो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिए कि यहाँ पर चमोली जिले में डॉक्टर्स की टीम बुला करके यहाँ पे लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उनका इलाज हो सके, उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट बन सके। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज ये कैंप आयोजित किया गया है।